right hand side all the positive number and left hand side all the negative integers. Okay, so now here we will deal with only positive numbers here first. So how to write fraction or how to identify represent fractions on a number line? Now already we know that fraction is by p by q form, or you can say any number numerator and denominator is there. Okay, here 1 is the numerator and 3 is the denominator. मतलब हमारा जो नंबर लाइन है वो 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पे आपको 1 डेसिमल पॉइंट मिल रहा है ऐसा 1 करके, नो होल नंबर 1। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। ओके, सो लेट अस डू विद द नंबर लाइन नाउ। ओके, सो नाउ प्लॉट द नंबर लाइन। हियर नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट नीडेड, सो वी विल गो विद द पॉजिटिव। सो हमने यहाँ 0 लिखा और यहाँ 1 लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दे रखा है? 8। मतलब हमें कितने पार्ट्स करने हैं? 8 पार्ट्स। ओके, जो भी डिनोमिनेटर है उतने ही हमें 0 और 1 के बीच में पार्ट्स करने हैं। सो हम लोग पार्ट करेंगे 8। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट। ओके, दिस इज वन पार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ओके, नाउ हाउ वी विल राइट द फ्रैक्शन? सो आवर फर्स्ट पार्ट विल बी 1/8। ओके, सेकेंड पार्ट 2/8। थर्ड पार्ट 3/8। फोर्थ पार्ट 4/8। फिफ्थ पार्ट 5/8। सिक्स पार्ट 6/8। सेवेंथ पार्ट 7/8। एंड लास्ट वेर 1 इज देयर, दैट इज 8/8। सो ऑलरेडी वी आर गेटिंग होल नंबर 8/8 इज 1। सो हियर इट इज 1। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स हियर एंड सर्कल इट। ओके, व्हाट डू वी फर्स्ट
10 part, that is whole number
वन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, जीरो है तो जीरो अपॉन टेन, क्लियर। देन हियर वन अपॉन टेन, टू अपॉन टेन, थ्री अपॉन टेन, फोर अपॉन टेन, फाइव अपॉन टेन, सिक्स अपॉन टेन, सेवन अपॉन टेन, एट अपॉन टेन, नाइन अपॉन टेन एंड लास्ट वन दैट इज टेन अपॉन टेन। नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हेयर द नंबर्स लाई, हियर जीरो अपॉन टेन इज हियर, क्लियर। वन अपॉन टेन नेक्स्ट टू जीरो पॉइंट हियर।